बाल एवं किशोर श्रम संशोधित अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं व उनके निराकरणों के संबंध में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में किया गया। कार्यशाला में बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वास की कार्यवाही प्रभावी बनाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संशोधित अधिनियम में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को भी बाल श्रम की श्रेणी में आच्छादित के उपरांत उनका पुनर्वासन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन में श्रम विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, ग्राम विकास, महिला कल्याण आदि की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बाल कल्याण समिति चाइल्ड लाइन व बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वासन के विषय पर कार्य कर रही संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर, CDO, उप श्रमायुक्त, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शारीरिक विकास में बाधक है उन्हें शिक्षा का न्यूनतम स्तर भी ग्रहण करने के लिए और उन्हें आवश्यक खेल कूदने और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं होने देता बाल श्रम। इस डेफिनेशन को मेंशन करने का मतलब यह है कि समाज में बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि ठीक है बच्चा स्कूल भी जाता है और स्कूल के बाद आने के बाद वो अपना काम भी कर लेता है। तो कहना ये बहुत आसान है बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा पहले 1 बजे तक स्कूल में है और उसके बाद आगे 2 बजे से लेकर 8 बजे तक आप उसको काम करा लें। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है वो ये कहती है कि खाली बच्चों को पढ़ाई नहीं, उसको उसका मेंटल और उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है और एक मिनिमम एजुकेशन के साथ उसको खेल कूद की भी आवश्यकता होती है, मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। ये बच्चे की पूरी दिनचर्या, अगर बच्चा पूरी दिनचर्या इस तरीके से गुजारेगा तो शायद वो जो लेबर वर्क है उसका टेम्पर इसको नहीं रहता है। कभी तो उन्हें परियोजनों से गुजरना पड़ता है तथा प्राय वे इस सार्थक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी अवसरों को से वंचित रह जाते हैं जिनके कारण उन्हें बेहतर भविष्य के रास्ते मिल जाते हैं। हमारे स्टेट्स में, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे इस पूरी सिचुएशन से कवर होते हैं कि उन्हें आता है यहाँ पर माइग्रेशन और ट्रैफिकिंग की इशू है तो वो इस वाली कवरेज है। तो अगर इनमें से कोई भी कवरेज है तो फिर वो चाइल्ड लेबर के परिवार में आता है। तो अब शैक्षिक काल तलाफों में हिस्सा लेने से वंचित करता है अर्थात तो उनके लिए चाइल्ड लेबर वही है जो हमने पहला बार कोई स्कूल चला, कोई विशेष प्राथमिक विद्यालय चला या कोई पहलू स्कूलिंग सिस्टम चला। तो टोटल 100% जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और कहीं ना कहीं पे वहां पर गैप्स हैं और वो बच्चे जिनका स्कूल में नाम लिखा है स्कूल के समय वो स्कूल में नहीं होते हैं, सड़कों पे, गांवों पे, खेतों में दिखाई देते हैं, फिर वो किसी ना किसी सर्वे एजेंसी, किसी सेंसस डाटा में वो बच्चे वर्किंग की कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद फिर उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेबर डिपार्टमेंट की आ जाती है कि भाई ये तो वर्किंग हो गए।
कि बच्चे की एफिशिएंसी लागे, बच्चे के साथ कोई भी फोर्सेबल वर्किंग होना चाहिए, बच्चा किसी की हिफाजत या डेंजर स्टेबलेशन पे काम भी करना चाहिए, और बच्चे से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे उसका सामाजिक शारीरिक और मानसिक कोई शोषण हो। तो इसका मतलब है कि राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये चीज क्लियर ठीक ही होना है, और किसी कॉन्स्टिट्यूशन की राइट में चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो आरटीए एक्ट हो, चाहे वो टाइगर एक्ट हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। पर ऐसा नहीं है कि उसकी है राइट या तो स्कीम्स की है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बच्चों को ये राइट देता है कि वो उसको टाइगर से अलग रखता है।